बुलंदशहर में सोमवार रात 8 बजे एक मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि पूरा मकान ध्वस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इस 2 मंजिला मकान में हादसे के समय 19 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। एसपीसी टीम, एसडीएम, सीओ, दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस के जवान, दमकल की टीमें रात भर बचाव कार्य में जुटी रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हर संभव राहत देने का निर्देश दिया। जो सिलेंडर ब्लास्ट हादसा हुआ है, अब तक कितने लोगों की सर इसमें मौत हो चुकी है, कितनी बॉडी सर यहाँ आई है? मैं यहाँ हॉस्पिटल पे हूँ, जिला अस्पताल पर। यहाँ अब तक कुल 6 बॉडी आई हैं, डेड बॉडी, जिसमें 3 मेल की हैं और 3 फीमेल की हैं। यही कुल इतनी बॉडी अभी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए आई है। ये सभी जो बॉडी आई हैं सर, ये वही सिकंदराबाद के ब्लास्ट? हाँ, सिकंदराबाद की दुर्घटना से ही संबंधित ये सब डेड बॉडी हैं। टोटल सर 6 लोगों की मौत? 6 लोगों की डेड बॉडी यहाँ आई है जी। चेन्नई के महाबलीपुरम में पार्किंग सुरक्षा गार्ड पर कार को नो पार्किंग जोन में जाने से रोकने के लिए क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। वाहन में सवार लोगों ने अपने वाहन को नो पार्किंग जोन में पार्क करने का प्रयास किया। इस दौरान पहले तो उन्होंने मना किया और पार्किंग सुरक्षा गार्ड से बहस की। जब आगे फिर उतरकर उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटने लगे। इसके बाद से जब आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो ये लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इस घिनौने कार्य का वीडियो वायरल हो गया। अकोला में एक विचार सभा में डेमोक्रेटिक फोरम के संयोजक और भारत जोड़ो अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव का भाषण वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाधित कर दिया गया। यह घटना अकोला जिला परिषद के कर्मचारी भवन में हुई, जहां पर सभा को संबोधित करते समय योगेंद्र यादव के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और मंच पर हंगामा मचा दिया। कार्यकर्ताओं ने सभा के दौरान कुर्सियों में तोड़फोड़ कर दी, मंच से माइक और अन्य सामान फेंक दिया। योगेंद्र यादव को घेरते हुए उन्होंने जवाब दो के नारे लगाए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब पुलिस ने योगेंद्र यादव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया तो वंचित कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन पर भी हमला करने का प्रयास किया। योगेंद्र यादव का भाषण मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने और बीजेपी विरोधी रणनीतियों पर केंद्रित था, लेकिन वंचित कार्यकर्ताओं ने उनके इस रुख का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें बिना विश्वास में लिए ऐसी बातें की जा रही हैं जो उनके राजनीतिक क्षेत्र के खिलाफ है। थाने हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर मर्सिडीज कार से कुचलकर 21 साल के लड़के की मौत हो गई। मृतक लड़के का नाम दर्शन हिगड़े है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 21 साल का दर्शन हिगड़े देर रात को कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। ठीक उसी समय नासिक हाईवे की तरफ जाने वाली कार ने उसे कुचल दिया। हादसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर हुआ है। उसके बावजूद हादसे की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे बंद बताए जा रहे हैं। एक इसम जो है दर्शन हेगड़े, उसका उम्र है 21 साल, रहने वाला वाकली स्टेट थाने का है। वो उसके टीवीएस मोटरसाइकिल से ट्रेवल कर रहा था और नितिन कंपनी जंक्शन थाना, यहाँ पे रात को करीब 1:50 बजे एक मर्सिडीज बेंज ने उसके मोटरसाइकिल को डैश किया है और उसमें उसकी मौत हुई है। इसके बारे में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया गया है और उसकी उसका इन्वेस्टिगेशन नौपाड़ा पुलिस स्टेशन कर रही है। आजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद गुस्साए जूनियर डॉक्टर्स ने अपना आमरण अनशन मंगलवार को खत्म कर दिया। हालांकि उनका आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल के 18वें दिन अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार प्राथमिकताओं के आधार पर करेगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही डॉक्टर्स की मांगों पर विचार करेगी, उन्हें समाधान प्रदान करेगी।
दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली वासियों ने 94 दिनों के बाद से सोमवार को बेहद खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ली। शहर की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 पर पहुंच गया। इस बीच में दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है और आज सुबह से ही अब ग्रैप 2 लागू हो गया है। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लग गई है। आपको बता दें, ग्रैप 2 लागू होने के बाद से 5 प्रमुख पाबंदियां लग जाती हैं। इसमें डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। जारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव भी होगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RWA ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को वो हीटर देंगे ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या फिर कोयला का इस्तेमाल ना करें, ना जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 kWh से ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।